होते हैं, ये स्वर स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं। मैंने अभी बनाया है इनको, क प्लस प बराबर कर, ख प्लस प बराबर ख, ग प्लस प बराबर कर। तो संस्कृत में इनका उच्चारण भी बच्चों अलग होता है। जैसे ये आपने क्या पढ़ा, कर, ठीक है, कर ऐसे जैसे शब्द है राम, हिंदी में क्या पढ़ोगे इसको, राम, क्या पढ़ोगे राम। लेकिन संस्कृत में इसको क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको संस्कृत में, मैंने मिशन लगाया नहीं, आप बोलोगे कि राम है ना, आप बोलोगे राम है, इसमें मिशन तो लगाया ही नहीं मैंने, तो राम क्या बोलोगे, राम जो मैं होता है इसका उच्चारण संस्कृत में अलग होता है। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों वर्ण, ठीक है। तो ये जो होते हैं जिनके नीचे आड़ी रेखा फलन लगा हुआ होता है वो हमारे शुद्ध व्यंजन होते हैं। शुद्ध वर्ण शुद्ध अक्षर कौन से होते हैं, जिनके नीचे ये फल चिन्ह लगा हुआ होता है, समझ में आ गई। तो ये जो जिनके नीचे लगा हुआ होता है ये पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीचे हल लगा हुआ है, इसमें कोई भी स्वर का कोई योग नहीं है, कोई मेल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हलंत वर्ण होते हैं, शुद्ध वर्ण जो होते हैं, वह भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको हम मोड़ तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। तो पहले लिखेंगे हम स्वर, क्या लिखेंगे, स्वर। संस्कृत में लिखोगे तो स्वर, या बहुत सारे हम लिखेंगे तो स्वरा, ठीक है, स्वरा। तो सबसे पहला स्वर कौन सा होता है, यस, ऐ, ठीक है, आ, फिर छोटा पी, बड़ा पी, फिर आगे आता छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर री, फिर संस्कृत में एक बड़ा री और होता है, ठीक है, फिर री, ये संस्कृत में होता है। लेकिन इसको हम संस्कृत भाषा में यूज नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं होता है। इसका जो उपयोग है हमारी जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक भाषा, हमारे प्राण ग्रंथों में इसका यूज होता है, तब नहीं होता है, लेकिन ये अपने स्वरों में आता है इसलिए इसको लिखा है। फिर ए आई ओ औ, बच गए क्या, जो अंग और ऐ है वो क्या होते हैं, याद रहेगा। और वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं।
निकलती है, घर्षण करते हुए निकलती है, इसलिए इसका नाम